नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है धातु व अधातु। जैसा कि आप जानते हैं, धातु व अधातु हमारे दैनिक जीवन में पाई जाती हैं, हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होती हैं। तो आज हम इनके गुणधर्म, इनके उदाहरण, इनकी प्रतिक्रियाएं, बाकी और भी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो धातु और अधातु आज का हमारा विषय है। आइए जानते हैं धातु किसे कहते हैं। ठोस और चमकदार पदार्थ को धातु के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोहे की छड़ या सोना, ये ठोस हैं, चमकदार हैं, तो हम इन्हें धातु कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं धातु के पहले गुण के बारे में कि धातु आधात वर्धीय होती हैं, जिसका अर्थ यह है कि उन्हें हथौड़े का उपयोग कर पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम किसी भी लोहे को हथौड़े से मारकर उसकी चादर बना सकते हैं, तो यह धातु का एक गुण है। तो आइए पढ़ते हैं धातु के दूसरे गुण के बारे में, जिसका नाम है कि धातु तन्य है। इसका अर्थ है कि धातुओं में स्वयं को एक पतले तार में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे घरों में लोहे के तार इस्तेमाल होते हैं कपड़े सुखाने में या और भी कामों में, तो लोहा एक धातु है और वह उसका गुण है कि जब उसे मारा जाए तो वह एक पतले तार में परिवर्तित हो सकता है। धातुओं का अगला गुण है कि धातु ऊष्मा और बिजली के अच्छे सुचालक हैं, जिसका अर्थ है कि वे विद्युत और ऊष्मा द्वारा को अपने द्वारा प्रवाहित होने देते हैं। जब भी उनसे ऊष्मा धारा प्रवाहित की जाती है तो वह उसे प्रवाह होने देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विद्युत के तार, लोहे की छड़, जो हमारे घरों में बिजली आती है वह विद्युत तार द्वारा ही आई जाती है, तो विद्युत तार धातु हैं और वह बिजली को प्रवाहित होने देते हैं। तो आइए एक और धातु का गुण, धातु ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिसका अर्थ है कि धातु को जब मारा जाता है तो वह ध्वनि का उत्पादन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आपके अपने स्कूल की घंटी, जब आप अपने स्कूल की घंटी बजती है तो आपको आवाज आती है, तो वह आवाज उसे मारने पर ही आती है और वह घंटी धातु की ही बनी होती है। और भी उदाहरण है, जैसे आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जो घंटी बजाते हैं वो भी धातु की ही बनी होती है, तो धातु ध्वनि भी उत्पन्न करते हैं। तो धातुओं के कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, यह सब धातुएं हमारे आभूषणों में इस्तेमाल की जाती हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। यह चमकदार हैं, ठोस हैं, ध्वनि प्रदूषित करती हैं, बिजली और ऊष्मा को प्रवाहित होने देती हैं। और भी कुछ उदाहरण धातुओं के, जैसे लोहा, तांबा, यह भी धातुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं हम अधातु के बारे में। तो जो धातुओं की गुण नहीं दिखाते, धातुओं के गुण नहीं दिखाते, उन्हें हम कहते हैं अधातु। तो अधातु जैसे कि प्लास्टिक, आप देखते हैं आपके दैनिक जीवन में बहुत इस्तेमाल होती है, तो वह एक अधातु है। और भी अधातुओं के उदाहरण हैं, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारे, फास्फोरस, हीरा, डायमंड, वो भी अधातु के ही उदाहरण हैं। आइए पढ़ते हैं अधातुओं के गुण के बारे में। तो अधातुओं का पहला गुण है कि वे भंगुर हैं। इसका मतलब यह है कि वह पीटने पर टूट सकते हैं। जैसे ही उन्हें किसी वस्तु द्वारा पीटा जाता है तो वह टूट जाते हैं,
जैसे कि कांच। कांच को अगर हम किसी भी चीज से पीटें तो वह टूट सकता है, तो यह एक अधातु का उदाहरण है। दूसरा गुण अधातु का यह है कि अधातु तन्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वह पतले तारों में परिवर्तित नहीं हो सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने उदाहरण में कार्बन लिया है, तो कार्बन चूरे के अवस्था में है, तो यह पतले तार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो यह एक अधातु का गुण है। अधातुओं का और भी गुण है, जैसे अधातु गर्मी और बिजली के खराब संवाहक हैं। इसका अर्थ यह है कि वह ऊष्म और बिजली को अपने द्वारा प्रवाहित नहीं होने देते। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बिजली के खंभों में लोहे का इस्तेमाल करते हैं धातु के रूप में, और लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, हमें विद्युत का करंट ना लगे। इस वजह से हम विद्युत के खंभे लोहे के बजाय लकड़ी के बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह खंभा लकड़ी का बना हुआ है, तो यह भी एक अधातु का गुण है। आइए देखते हैं अधातु के कुछ उदाहरण, जैसे कि प्लास्टिक का बैग, जो आप दैनिक जीवन में बहुत इस्तेमाल करते हैं, यह एक अधातु है। और भी उदाहरण है, जैसे कि कार्बन, वह भी एक अधातु है। और भी कुछ उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस, हीरा, ऑक्सीजन, ये सब अधातु के ही उदाहरण हैं। ये सब तन्य नहीं होते, बिजली व ऊष्मा के खराब संवाहक हैं, भंगुर हैं। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। तो ये थे धातु और अधातु।